दोस्तों आज हम डिटेल्ड में बात करने वाले हैं ग्रॉफी बाई अनएकेडमी के बारे में। हम ग्रॉफी बाई अनएकेडमी का जन्म कहां से हुआ और आज के डेट में ये कहां पे खड़ा है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको ये गाइडेंस भी मिल जाएगा कि क्या आज के डेट में ग्रॉफी बाई अनएकेडमी को बाई करना कितना लॉजिकल है या अगर नहीं तो क्या उसमें समस्याएं हैं। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। आज का वीडियो जो मेरा है 2024 में शूट हो रहा है, ये वीडियो अब तक का ग्रॉफी पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 5 सालों से, इसका मैंने बहुत भी एफिलिएट भी करा, बहुत से लोग मेरे अप्रॉक्सिमेटली 100 के आसपास कंटेंट क्रिएटर मुझसे जुड़कर ग्रॉफी को बाई भी किया, तो सब कुछ पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या समस्याएं आ रही है और लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में और शुरुआत करते हैं इनके जर्नी की। तो दोस्तों ये 2014 का वो दौर था जब हमारे देश में इंटरनेट क्रांति आने वाली थी, जियो इंट्रोड्यूस हो रहा था। उसी समय एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था जिसका नाम था स्पेई। इसको लॉन्च किया था संदीप सिंह ने और ये वैसे तो 2014 में लॉन्च हुआ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया में लोगों को कोचेस, यूट्यूबर और जो भी कॉर्पोरेट ट्रेनर, ट्रेनर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना, व्हाइट लेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करना कि जहां से वो अपने जर्नी की शुरुआत कर सकें, लोगों को अपना कंटेंट दे सकें और साथ ही साथ एकदम यूनिक फीचर के साथ ये लॉन्च हुआ था मार्केट में। लेकिन ये मार्केट में लाइमलाइट में तब आया जब ये ऐप सुमो डील पर आया $79 का, एग्जैक्टली $79 का जब ये वन टाइम पेमेंट पर आया ऐप सुमो के डील पर, तब लोगों की नजरों में ये आया कि ऐसा भी कोई एप्लीकेशन मार्केट में है। लेकिन भाई तब तक देर हो चुकी थी, देर इसलिए हो चुकी थी कि मार्केट शेयर जिस हिसाब से ये 2014 या 15 के आसपास ये लॉन्च हुए थे और शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में लॉन्च हुए थे जब इंटरनेट क्रांति बूम पर होने वाली थी या शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये मार्केट शेयर नहीं ले पाए थे। तभी इंट्रोड्यूस हो जाता है क्लास प्लस इंडिया में, जो कि आज आपको पता होगा क्लास प्लस इंडियन मार्केट का, चाहे जैसे भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी उसके पास पड़ा हुआ है और जिसको आप जानते हैं कि गांगुली दादा जो है उसको प्रमोट करते हैं और ज्यादातर ऐड भी आप उनके देखे होंगे। तभी जो है इनकी एंट्री होती है 2018 में और रस्तोगी साहब और यहां पे इसको लेके आते हैं क्लास प्लस को। और यहां पे वो टारगेट किसको करते हैं, ये मुकुल साहब टारगेट करते हैं जो छोटे छोटे ऑडियंस हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि जिनके पास बजट बहुत कम है। इस पे ही बहुत महंगा होता था, अगर आप सालाना उनका टॉप नॉच प्लान देखेंगे तो वो 1.5 लाख रुपए सालाना पड़ता था। तो इन्होंने टारगेट किया 15,000 रुपए सालाना में देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया, क्लास प्लस ने देना शुरू कर दिया और मार्केट कैप्चर कर लिया। अप्रोक्सीमेटली पूरी इंडियन मार्केट का 50% से ज्यादा शेयर इन्होंने अपने आप ग्रैब कर लिया। तभी अब ये मैं बात कर लूं कि इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जो कि नोएडा में बेस्ड है और क्लास प्लस। और उसके बाद फिर शुरुआत होती है ग्रॉफी की एंट्री होती है। ये ग्रॉफी की एंट्री क्या है इसके बारे में मैं बताऊं तो ये जो स्पेई था इसको 2018 में एक कंपनी जो ग्रॉफी के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी और इसका जो पुराना नाम था कुछ लेट जाके इसको हायर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर 2021 शायद मैं जहां तक राइट हूं में ये हायर करते हैं। ग्रॉफी बाई अनएकेडमी के हाथों में चली जाती है। अनएकेडमी कौन है, अनएकेडमी इंडिया का एक एजुकेशनल ब्रांड है। आपको पता है अनएकेडमी के बारे में, कौन नहीं जानता है आज के दौर में। तो बेसिकली कह ले कि अनएकेडमी ने ग्रॉफी को 25 मिलियन में खरीद लिया। अब यहां पे इसको सुमित झा इसके सीईओ हैं ग्रॉफी बाई अनएकेडमी के, तो ये भी सेम प्लेटफॉर्म जो इस पे ही था इसको इन्होंने क्या किया, खरीद लिया ग्रॉफी बाई अनएकेडमी के नाम से। अब ये मार्केट में प्रचलन में आ गया। तो जैसे ही ग्रॉफी बाई अनएकेडमी के नाम से मार्केट में प्रचलन आया, इसकी डिमांड बढ़ी और इसने एग्रेसिव मार्केटिंग थोड़ा स्टार्ट करी और इसने क्लास प्लस को अपना कंपटीटर बनाया। और ये जबकि इस पे ही उस समय के हिसाब से क्लास प्लस से मच बेटर था, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर नहीं ले पाया था। क्यों नहीं ले पाया था, क्योंकि ये एक क्रीमी ऑडियंस को ही टारगेट करता था, जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर होते थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, करोड़ों में जिनकी अर्निंग होती थी। यहां पे स्पेस
से, या मैं कह लूं ग्रॉफी से जुड़े हुए, जैसे आपने नाम सुना होगा विश्वनाथन आनंद, और ये चेस प्लेयर हैं, ठीक है, इसी प्रकार के और से बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर या चेस प्लेयर इनसे जुड़े, अपने कोर्सेज को उन्होंने क्या किया, सेल किया, लोगों तक अपनी अपनी जो भी कोर्सेस है उनको पहुंचाया, ठीक। लेकिन यहां पर ग्रॉफी ने बस यही मेजर चेंजेस किए, इतना ही मेजर चेंजेस किया। अब आगे चलते हैं ग्रॉफी की जर्नी की शुरुआत पे। तो दोस्तों अब ये ग्रॉफी इंट्रोड्यूस हो चुका है, 2021 में मार्केट में इंटर कर चुका है। अभी शुरुआती दौर में ग्रॉफी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रगल था और कंपनी लॉस में भी गई 2022 में या फिर 23 में, थोड़ा थोड़ा इन्होंने इंक्रीज भी किया, क्योंकि देखो ये कंपनी जो है बेसिकली एक यहां कह ले कि एकदम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठ के आई थी ग्रॉफी बाई अनअकैडमी के पास। इनका जो कोर था ये उनका ये नहीं था कि ये कंपनी जो है ग्रॉफी एक एलएमएस ही बनाती है, ग्रॉफी बाई अनअकैडमी के साथ नाम जुड़ गया, ब्रांड जुड़ गया, इन्होंने अब इसकी नए सिरे से ब्रांडिंग करना शुरू करी, ठीक है। तो अब ये भी व्हाइट लेबल है, सेम यहां पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, यहां पे वेबसाइट के माध्यम से भी कोर्सेज सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इनकी जर्नी की, अब देखते हैं क्या क्या समस्याएं आई और क्या क्या कोर्सेस में ये देते हैं। यहां पे आप अपनी क्विज सेल कर सकते हैं, बना के सेल सकते हैं, लाइव टेस्ट ले सकते हैं, और यहां पे साथ ही साथ आप वीडियो कंटेंट भी आप परोस सकते हैं, सामने वाले को दे सकते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं यहां पे ढेर सारे थर्ड पार्टी कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी में हम क्या क्या बात कर ले, जोहो सीआरएम की बात कर ले, ये सबसे बड़ा मार्केट क्या एक प्लेयर है जोहो सीआरएम, उसके साथ जूम व्हाट्सएप एपीआई हम ले सकते हैं, वाटी ले सकते हैं, ईमेल के लिए आप कस्टम ईमेल भेजने के लिए ईमेल टूल का इन्होंने यहां पे इंटीग्रेशन किया, साथ ही साथ यहां पे स्ट्राइप पेपाल और इंडियन पेमेंट गेटवे का भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एंट्री हो गई, उसके साथ ही ये बहुत आसान हो गया, हम इंडियन के लिए कोर्सेज सेल करना बहुत आसान हो गया, साथ ही साथ हम इंडियन को फॉरेन में जाके कोर्सेज सेल करना भी बहुत आसान हो गया। तो मैं बता दूं दोस्तों यहां पे ग्रॉफी और साथ ही साथ क्या बहुत एडवांस क्या चीजें देता है और इसमें कमियां भी बहुत हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। ग्रॉफी के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं अब ध्यान से सुनना, यहां पे आप कोर्सेस अपना सेल कर सकते हो, कोर्सेस पे आपको जो है पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, कोई भी आपके कोर्सेस को डाउनलोड नहीं कर सकता, आपका लोगोज वगैरह वहां पे शो अप होते रहेंगे, ठीक है, आप वहां पे किसी भी प्रकार का कोर्सेस सेल कर सकते हो और कोई बाउंडेशन यहां पे नहीं है, आपको एप्लीकेशन साथ ही साथ वेबसाइट दोनों मिल जाता है, जो कि क्लास प्लस में उस समय मैं बात कर रहा हूं तब जब ये मार्केट में आया था उस समय क्लास प्लस में नहीं था, आज के डेट में क्लास प्लस ने भी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल तक जो कि ग्रॉफी के पास है वहां तक इनका नहीं पहुंचा है। आज भी लैंडिंग पेज बिल्डर ग्रॉफी बाई अनअकैडमी का बेस्ट है भाई, बेस्ट है, और मैं वहां पर ऐसे ऐसे लैंडिंग पेज बना, मेरे वीडियोज जाके चेक कर लेना, जबरदस्त लैंडिंग पेज वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर लोग आपसे 10-10, 20-20 हजार रुपए का चार्ज करते हैं। तो इस चीज में ग्रॉफी बाई अनअकैडमी नेक्स्ट लेवल अनअकैडमी की एक और सबसे बड़ी खूबी मैं बता दूं, ग्रॉफी बाई अनअकैडमी जो है आपको बहुत से ऐसी फैसिलिटीज देता है जो कि अन्य एप्लीकेशन नहीं देते हैं, ठीक है, वर्सेटाइल फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आप वन टाइम बहुत मिनट में ही, एक मिनट में ही आप अपने कोर्सेज को लॉन्च कर लेंगे, यहाँ पे एआई के माध्यम से आप अपने कोर्सेज को वहाँ पे जाके लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ के सारी हेडिंग्स वगैरह कोर्सेज के बारे में सब कुछ एआई इंट्रोड्यूस कर देगा, लिख देगा, आप उसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करके उनको आप लॉन्च कर सकते हैं। कि सबसे बड़ी कमी ये है कि ग्रॉफी आज भी आपसे 10% चार्ज करता, भाई दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, सभी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर जो यूज़ कर रहे हैं आजकल लोग 5% ही दे रहे हैं, आप क्लास प्लस ले लो, ठीक है, या इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन मार्केट में है उनको ले लो, लेकिन वो 5% ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब अभी भी 10% चार्ज कर रहे हैं। इनका यूआरएल फ्रेंडली नहीं होता है, यूआरएल में बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, दो चीजें, और तीसरी चीज आप ये देख लीजिए इनका कि इनका जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उस पर मुझे इनका जो फीचर जब है ना एक ही जैसा लगता है, ऐसा नहीं कि बार बार उसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब कस्टमाइज कर सकें, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी आर्ट फील होती है यार, इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई बना सकें, लोग अपने इच्छा अनुसार अपना डिफरेंट लुक लाइक चेंज कर सकें, ये मुझे प्रॉब्लम देखी। चौथी प्रॉब्लम इनकी ये रही कि हमेशा ये पैडिंग पर जो नीचे का सेक्शन होता है वहाँ लिखते हैं लॉन्च योर ग्रॉफी, भैया क्यों ले रहे हो, हटा दो मेरे भाई, हटा दो, हम त्रस्त आ गए हैं, जब भी दिखते हैं तो दिख जाता है कि इन्होंने ग्रॉफी से क्रिएट किया है, हम दिखना चाहते हैं थोड़ा अलग भाई। और इनकी अब ये यही 3-4 बुराइयां हैं भाई। फाइनली मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एक एप्लीकेशन की तलाश है,
ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आज के डेट में ग्रॉफी इज बेस्ट, जो मार्केट में और प्लेयर हैं बेस्ट हैं इनके हम लैंडिंग पेज के कारण, और इनका वेबसाइट जो है ना आज भी सबसे सुपर है, जितने भी मार्केट इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाइएगा, कि सबसे ऊपर है, नेक्स्ट लेवल है, इसीलिए मैं इनको फर्स्ट प्लेस पे रखता हूँ। लेकिन अभी मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इग्ज़ली से। इग्ज़ली भाई जो इनकी कमियाँ थी वो उसकी कोई स्ट्रेंथ है। इग्ज़ली इतना बढ़िया मार्केट में आ गया है और बहुत जल्दी मार्केट शेयर ले रहा है, वो फुल टाइम इसी फील्ड का राजा है। ये इनके साथ साथ अनअकैडमी का ब्रांड जुड़ा है, उसके साथ कोई ब्रांड नहीं जुड़ा है, वो फुल फ्लैज वो एलएमएस के लिए ही वो बना हुआ प्लेटफॉर्म है और माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म है। दोनों का हम लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके आप डेमो ले लो, इग्ज़ली से ले लो, ग्रॉफी से ले लो, दोनों फॉर्म फिल कर दो यार, जाके डेमो ले लो और देखो जो भी आपको जेन्युइन लगे उसका चूज करो। मैंने आपको जो बताया मार्केट के दो बड़े प्लेयर जो आज के दौर के वो मैंने रिकमेंड किया है, तो आप देर किस बात की कर रहे हो, जाओ भैया दोनों में से जो भी एप्लीकेशन चाहिए धड़ल्ले से जाके आप ले सकते हो, जहां पे आपको सब कुछ मिलने, दोनों के प्रोडक्ट पे हम आपको लिंक देते हैं, इस लिंक को फिल करते ही मिल जाए।